गोरखपुर के कप्तान के रूप में आईपीएस शलभ माथुर ने सोमवार को एसएसपी आवास पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पूर्व शलभ माथुर वर्ष 2013 में गोरखपुर के एसएसपी रह चुके हैं। शासन द्वारा एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के बाद 2006 बैच के आईपीएस शलभ माथुर को जनपद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि शासन की योजनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, बेसिकली जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं अपराध नियंत्रण को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके और जनता की ग्रीवेंसेस, जो उनकी शिकायतें हैं उनके निस्तारण, विवेचना, जो हमारा सिपाही है उनका वेलफेयर, पुलिस का जो व्यवहार है, इन सभी को हम निरंतर रूप से बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए क्या कुछ प्लान है इसमें? क्राइम कंट्रोल को लेके जो पैटर्न ऑफ क्राइम अलग अलग होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में हो सकता है, कई बार रंजिशन रूप से हो सकता है, महिलाओं के संबंध में अपराध है, तो हर चीज़ को एनालिसिस करके और उसमें हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए एक रणनीति बना के जो है उसको और जैसा मैंने बताया और बेहतर करने का लगातार सतत रूप से प्रयास है। सीएम सिटी है सर, तमाम वीआईपी खाना जाना रहता है, सीएम साहब को जाते हैं तो लेके काफ़ी वीआईपी भी आते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कुछ है आपके? जैसा मैंने बताया इस चीज़ को लेके हम लगातार, क्योंकि यहाँ पे विजिट्स होती रही हैं, उसमें काफ़ी स्टडी भी हुई है और काफ़ी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया, उसको लगातार उस इनकॉर्पोरेशन को जो किया गया उसको और कैसे बेहतर किया जाए, और मूवमेंट्स की चाहे वीआईपी मूवमेंट्स हों या जनरल जो भी मूवमेंट्स हैं उसमें ट्रैफिक में हम पब्लिक को कैसे मैक्सिमम कन्वीनियंट रूप से रखें कि उनको जो है दिक्कत ना हो, उसका हम लोग प्रयास करें।